फायदा भी दोस्तों, बकरी का दूध ऐसे भी फायदा करता है हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी कहते हैं, और लहर इससे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि कोई भी मुर्गी अगर कोई पकड़ के लेके जाता है फिर जंगली जानवर खा लेता है तो पता चलना चाहिए कि हाँ आज कुछ हुआ है। तो टोटल मुर्गी मेरा कंप्लीट है दोस्तों, सारी मुर्गी मेरे पास है अंदर हो चुकी है। और देखिए दोस्तों, फ्री रेंज मतलब जगह आपके पास होने से क्या फ़ायदा होता है, मुर्गी देखिए अपना आराम से फ्री रेंज में आराम से चल रही है, बकरी भी उधर आराम से टहल लेती है चर लेती है। तो ये दोस्तों आपके पास अगर जगह है तो फार्मिंग लाइन बहुत अच्छा है, जैसे मुर्गी है तो इसका दाना वाना खर्च जो था स्टार्टिंग में था, अब तो दाना का खर्च ही नहीं, बस 100 ग्राम दोस्तों अभी फार्म के अंदर हो चुके हैं। और अभी टाइम की बात करें तो 6 बजे दोस्तों, और बच्चों को पहले निकालते हैं दोस्तों दूध पीने के लिए, और फिर डॉग को भी लेकर चलना घूमने के लिए। पहले बच्चों को यहाँ से निकालते हैं, बच्चों के लिए रखने के लिए बनाए थे दोस्तों, इसमें बच्चे सेफ रहते हैं और देखिए कितने अच्छे से इसमें रह रहे हैं। और दोस्तों बच्चों को हमने निकाल दिया है दूध पीने के लिए, देखिए वो बच्चा भी पी रहा है। और वहाँ पर भी कल एक बच्चा मेरा मुरलीटी हो गया है दोस्तों, उसका एक और जोड़ा था मतलब वो मर गया है, बस दस्त हुआ उसको, और उसको बाद मतलब टाइम ही नहीं दिया उसको बचाने का, बस दस्त हुआ सुबह के टाइम में, और सुबह के टाइम में दवा दी है लेकिन शाम तक वो मोडलिटी हो गया बस। और बाकी एक बच्चा वहाँ पे वो भी दूध पी रहा है दोस्तों। दोस्तों अभी टाइम है मुर्गियों और बकरी को दोनों को बाहर निकालना, डॉग को अभी तक बाहर नहीं निकाला दोस्तों, डॉग भी बांधा हुआ है, पहले गेट खोल देते हैं, बकरी बाहर चली जाएगी और फिर मुर्गी बाहर निकल जाती है दोस्तों, मुर्गी भी सारी बाहर रहती है। इनको भी दाना पानी थोड़ा हमने कम कर दिया है, दाना देते ही नहीं है, बस थोड़ा सा शाम के टाइम में देते हैं। और दोस्तों ये बकरी को हमने खोल दिया है और 6 बजे ही आज निकाल दिया दोस्तों, क्योंकि 8-9 बत्ते इन लोग को पेट भर जाएगा, चर के आ जाएंगे। और देखिएगा मुर्गी भी सारी निकल जाएगी धीरे धीरे, आप देखिएगा पहले अभी बकरी निकल रही है, कुछ देर बाद देखिए मुर्गी निकलना स्टार्ट हो गई है, सब मुर्गी धीरे धीरे निकल जाएगी। और बाहर में इधर फ्री रेंज एरिया है, घास उस है तो इधर ही आराम से चर लेती है, देखिए सब निकलना मुर्गियाँ स्टार्ट हो गई है। तो अभी चली गई सामने चरने के लिए, वहाँ पर दिख रहा होगा आपको सारी बकरी वहाँ पर है, और मुर्गी भी सारी फार्म से निकल चुकी है, आप देख सकते हैं सारी बकरी मुर्गी जो है यहाँ पर अभी आराम से चरेगी 1-2 घंटा। और डॉग को लेकर चलते हैं दोस्तों थोड़ा नदी साइड, थोड़ा टहला देंगे और फिर बकरी को भी इधर से हाँक के उस साइड लेके चलेंगे। और दोस्तों अभी डॉग को भी खोल दिए हैं और इन लोग भी थोड़ा नदी साइड लेके चलते हैं, देखिए फिर खोले तो इन लोग फ्रेश फ्रेश हो लेगा, बकरियाँ भी उधर ही चल रही है, तो अभी इनको लेके चलते हैं नदी साइड। दोस्तों अभी बकरी तो वहाँ से चली गई है, आगे बढ़ गई है, और मुर्गी देखिए यहाँ पे आके अपना चर रही है। और डॉग को एक ही लेके जाएंगे दोस्तों, एक इसको लेके जाएंगे लाली को, चिंकू को वहाँ पे हमने बांध दिया है क्योंकि मुर्गी बाहर में खुली हुई है सारी, तो बाई चांस किसी का डॉग अगर आ गया जो स्ट्रीट डॉग होता है वो, या फिर जंगली जानवर कोई आ गया इन लोगों को पकड़ने के लिए तो रहेगा, तो उसके वजह से वो नहीं आएगा। और इंसान तो ऐसे कोई चोरी करके नहीं लेके जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ वो नियम नहीं है कि मुर्गी उर्गी कोई पकड़ के लेके चला जाएगा, तो वो चीज़ का डर नहीं है, बस खतरा डॉग का है और जो जंगली जानवर है उसका खतरा है, इसके अलावा और किसी चीज़ का खतरा नहीं है। तो इसलिए हमने एक डॉग को वहाँ पे सिक्कड़ में बांध दिया है ताकि वो रक्षा करेगा, और बाकी 2 डॉग हम लोग लेके चलेंगे बकरी साइड। तो बकरी आगे बढ़ गई है दोस्तों, इन लोग को अब छोड़ते हैं यहीं पर, इनका गेट खुला हुआ है, आप देख सकते हैं वो गेट खुला हुआ है, तो अगर कुछ भी हमला होता है तो ये गेट के अंदर आराम से हिल जाते हैं। और दोस्तों अभी बकरी सारी आ गई है दूसरे साइड जंगल साइड, देखिए अभी चल रही है उधर ही, और आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुबह खोलने में यही फ़ायदा होता है दोस्तों, अच्छे से बकरी चरती है और अच्छे से चर पाती है, आप अगर धूप के टाइम में खोलेंगे तो बकरी चरती नहीं है, बस आपको परेशान करेगी, कभी बकरी इधर भागेगी कभी उधर। और ठंडा मौसम में आप खोल देंगे सुबह के टाइम में 6 बजे 6:30 होते होते, तो बकरी आराम से चरेगी, आपको उतना परेशान भी नहीं करेगी, देखिए बकरी धीरे धीरे आराम से चल रही है और हम पीछे पीछे बस उसका चल रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं बकरी अभी कहाँ गई चरते चरते, क्योंकि इधर मूंग लगा हुआ है दोस्तों, तो इन लोग चक्कर में रहता है कि बस मौका मिले और मूंग के खेत में उतर जाए। तभी तो हम लोग डॉग के साथ आ गए हैं दोस्तों, डॉग एक ही आया है, 2 डॉग तो फार्म पे रह गया, दोनों को बांध दिए थे, एक को बांधे थे एक खुला है दोस्तों, और बाकी बकरी यहीं पे चरी है, इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे, इससे इधर ही रखेंगे और फिर पीछे साइड ही लेके चलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये बकरी आ गई है उस साइड से, बकरी यहाँ पर आ गई है चरने के लिए, और देखिए अभी यहीं पर चरी है, तो इनको और आगे लेके चलते हैं दोस्तों, क्योंकि इधर फसल लगा हुआ है तो खेत में उतर जाएगा, तो इसलिए पहले ऊपर साइड ही रखेंगे, नीचे साइड नहीं उतरने देंगे। और धूप भी थोड़ा उग गया है दोस्तों, 8 बज चुका है क्योंकि, और दोस्तों अभी बकरी उस साइड से चर के इस साइड आ गई है इस बगीचे में, अभी यहाँ पे चरी और फार्म के साइड लेके चलते हैं दोस्तों, क्योंकि 8:30 से ऊपर हो चुका है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आगे की ओर फार्म के साइड ही ले चल के 10 बजे तक छोड़ देंगे, और फिर 11 बजे तक इनको अंदर कर देंगे, क्योंकि आज मौसम ठंडा है तो लेट तक चरा सकते हैं, धूप नहीं उगा है उतना अच्छा। सारी बकरी फार्म साइड आ चुकी है, आप देख सकते हैं आ गई है, कुछ बकरी भी पीछे भी है वहाँ पे, तो उनको भी लेके आना है, पहले यहाँ पे चलते हैं, मोटर चालू करके इनको पानी दे देते हैं पीने के लिए, और फिर थोड़ा देर और चरेंगे जब तक मन होता है, गेट खुला हुआ है अपने से आप अंदर ही चले जाएंगे मन होगा तो।
दोस्तों बकरी तो अभी तक अंदर हमने नहीं किया है और मुर्गी तो सारी अंदर हो चुकी है, देख सकते हैं। और ये अपने आ जाता है दोस्तों, ये चरने भी खुद चली जाती है और ये बाहर से अंदर भी आ जाती है अपने आप। कुछ मुर्गे भी कम है तो बाहर में चर रही होगी तो उनको भी देख के अंदर कर देते हैं। और बकरी सामने वहाँ पर अभी चर रही है तो देख लेते हैं, मुर्गी गिन लेते हैं, उसको देखते हैं एक आध दो कम है इसमें। और दोस्तों कुछ बकरी जो पीछे चल रही थी वो थोड़ा पीछे जाके उधर चली गई थी, तो अभी उधर से लेके आ गए हैं, आधा झुंड तो फार्म के अंदर चला गया है और ये झुंड बच रहा है तो इसको भी अंदर कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 हो गया दोस्तों। और सुबह से हम भी नाश्ता वास्ता नहीं किए तो भूख हमें भी लग गया है। डॉग को भी खाना देना है, ठंडा हो रहा है, इसका भी खाना तो इसको भी देना है। पहले इनको अंदर करते हैं दोस्तों और बाकी बकरी जो अंदर हुई है सबको अंदर करके और पानी दे देते हैं। और दोस्तों अभी सारी बकरी अंदर आ चुकी है और पानी भी हमने दे दिया था दोस्तों डब्बा में, तो पानी भी इन लोग पी चुके हैं और अब रेस्ट करेंगे। सुबह वाला काम तो खत्म हो चुका है दोस्तों, बस एक बच्चा है उसको दूध पिलाना है, वहाँ पे उसको माँ के पास छोड़ देते हैं तो दूध पी लेगा। और मुर्गी भी सारी अंदर हो चुकी है दोस्तों, दो मुर्गी अभी नहीं है तो दो मुर्गी अभी ढूंढ लेते हैं, बाहर में कहीं पर होगी तो उनको भी अंदर कर देंगे, बाकी बकरी को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी दो मुर्गी जो भुलाई हुई थी वो तो मिल चुकी है, ये देख सकते हैं ये दोनों मुर्गी है, तो अभी इनको अंदर करते हैं दोस्तों इधर से हाँक के। ओए वो देखिए अंदर हो जाएगा, वो खुद से जान रहा है जाना कहाँ है, वो देखिए अंदर हो जाएगा। ओए चल, एक मुर्गी और निकल गया दोस्तों। ओए चल, ओए ओए चल, ओए चल, एक मुर्गी और भाग गया है। चल चल, ओए इसको अंदर करते हैं दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी सारी मुर्गी तो अंदर हमने कर दिया, टोटल 18 मुर्गी है मेरे पास और एक मुर्गा है, तो टोटल हमने गिन लिया है दोस्तों, गिनती कर लिया है, क्योंकि बाहर में जंगल साइड मुर्गी चरने जाती है तो गिनना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मुर्गी अगर कोई पकड़ के लेके जाता है फिर जंगली जानवर खा लेता है तो पता चलना चाहिए कि हाँ आज कुछ हुआ है। तो टोटल मुर्गी मेरा कंप्लीट है दोस्तों, सारी मुर्गी मेरे पास है अंदर हो चुकी है और इनको अब दाना शाम में देंगे जब बकरी बाहर निकलती है, नहीं तो फिर पूरा दाना देने के बाद बकरी इसमें हेल जाती है दोस्तों और दिक्कत करता है, दाना सारा खा जाता है, छोटे बच्चे हेल जाते हैं इसके वजह से अंदर से और बच्चे इनका पूरा दाना खा जाता है। तो शाम में जब बकरी खोलेंगे सबको तो उस टाइम इनको दाना दे देंगे और इन लोग बाहर भी जाके चर लेता है दोस्तों, तो इनका पेट भरा हो रहा था। बकरी जो है वो सारी अभी रेस्ट करिए दोस्तों, अभी दोपहर का 3 बज रहा है और बकरी आप देख सकते हैं सारी अभी रेस्ट कर रही है, अभी सब आराम से सोई पड़ी है, सब बकरी सोए हुए और अभी इसका जो बच्चा है दोस्तों उसको अभी निकाल देते हैं दूध पीने के लिए, वो देखिए वहाँ पे डाला हुआ है, उसको निकाल देते हैं, माँ के पास वो दूध पी लेगा। अरे देखे दोस्तों उस बच्चे को हमने तो निकाल दिया है, वो दूध माँ का पी रहा है और हमने गिलास लाया दोस्तों, एक बकरी है उसका जो बच्चा नहीं बच पाया दोस्तों, बच्चा बहुत छोटा दिया था तो उसका तो मोर्टिलिटी हो गया, लेकिन उसके पास दूध अच्छा खासा है दोस्तों, तो उसका दूध अभी निकालेंगे और डॉग को जो हम शाम में खाना देते हैं उसमें अभी फेंट के डॉग को देंगे। तो वो जो बकरी है पहले चलते हैं उसका दूध निकालते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको दिखलाते हैं। दूध तो हमने बकरी का निकाल लिया, देख सकते हैं इतना निकला है, इस गिलास से जो लाइनिंग है यहाँ तक दूध निकला है और अभी छोड़ देंगे क्योंकि इसके पास बच्चा नहीं है दोस्तों, तो कोई पीने वाला नहीं है और दूध ऐसे ही उसमें रहेगा तो उसका थन जो है भारी भारी उसको लगेगा, तो इसलिए हम निकाल लेते हैं और डॉग को दे देते हैं दोस्तों, ताकि डॉग आराम से खा लेता है और पचा भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अभी चलते हैं दोस्तों, डॉग का खाना शाम वाला दे देते हैं दोस्तों। डॉग का देख सकते हैं तीनों खाना हमने निकाल दिया, तीनों डॉग का लगा हुआ है, बस इसमें दूध जो हम बकरी का अभी गार के लाए हैं वो अभी इसमें फेंटेंगे और फिर डॉग को खाने के लिए दे देंगे। और शाम का खाना है दोस्तों, और इसके बाद फिर रात में भी थोड़ा सा मिलता है, सुबह और शाम में थोड़ा थोड़ा देते हैं और सुबह और रात में दोस्तों थोड़ा थोड़ा देते हैं और शाम के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। अभी देखो इनमें दे देते हैं दोस्तों दूध और फेंट के फिर इन लोग को, देखिए दोस्तों हमने डाल दिया है ये जो दूध होता है इसमें डब्बा में, देखिए तीनों में डाल दिया, उसमें भी दूध डाल दिया है, इसमें भी डाल दिया है, अब इसको फेंट के और डॉग को दे देते हैं, देखिएगा डॉग अच्छे से खाता है। और ये फायदा भी दोस्तों, बकरी का दूध ऐसे भी फायदा करता है, हमारे जो बूढ़ बुजुर्ग थे वो भी कहते हैं, और लहर इससे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि बच्चों को जब लहर लगता है तो दूध से उसका शरीर पे लगाया जाता है, तो इसकी वजह से डॉग भी स्वस्थ रहता है। हम दे देते हैं ऐसे भी वेस्ट होगा, बकरी का दूध कोई पिएगा नहीं, दूसरा बच्चों को पीने नहीं देती है, इसलिए हम गार के और डॉग को खिला देते हैं दोस्तों। दो टाइम गारते हैं, एक टाइम दोपहर में और एक टाइम रात में, और हो जाता है दोस्तों, डॉग भी अच्छे से खा लेता है। और ये घर का दलिया है दोस्तों, जो डॉग को लिए हम खाना लाते हैं, ये घर का दलिया बनाया हुआ है, जो बकरी के लिए हम बनाते हैं दलिया बनाने के लिए वही चीज़ इसके लिए भी रहता है, बस इसमें थोड़ा सा सब्जी उब्जी ऐड करते हैं कभी कभी, अभी तो सब्जी इसमें ऐड नहीं है, अभी दूध इन लोगों को मिल जा रहा है तो अच्छे से खा लेता है। और अभी इन लोग को देते हैं दोस्तों फेंट के, क्योंकि डॉग इंतजार कर रहा है, देख सकते हैं बैठा हुआ है, एक इधर आराम से बैठा हुआ है। और देखिए दोस्तों डॉग को हमने खाना दे दिया और देखिए अच्छे से इन लोग खा रहा है, एक वहाँ पे भी खा रहा है, एक बाहर में खा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों डॉग खाना खा के मतलब भाग गया है, थोड़ा बहुत छोड़ा है, थोड़ा बहुत उसमें भी बच रहा है दोस्तों, तो उन लोग घूरने के बाद जब टहल के आएगा नदी साइड से तो जो बच रहा है वो भी वो खा लेगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों, बाहर डॉग चला गया है तो उधर ही चलते हैं। देखिए दोस्तों डॉग खाना खाने के बाद बाहर आ चुका है और इन लोग को थोड़ा नदी साइड लेके चलते हैं, थोड़ा देर टहल लेगा या फिर छोड़ देंगे, इन लोग खुद अपने से टहल के आ जाएगा क्योंकि। और दोस्तों 5 बज चुका है और 5 बजे आज बकरी को निकाल रहे हैं क्योंकि धूप थोड़ा लेट तक था दोस्तों, अभी तक धूप है और मौसम थोड़ा ठंडा होने के बाद ही खोलते हैं शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में तो 6 बजे खोलते हैं और शाम के टाइम में 5 बजे। तो अभी इनको निकालते हैं दोस्तों बाहर, क्योंकि सब चिल्ला भी रही है, मुर्गियों को भी निकालना है दोस्तों चरने के लिए।
बकरी तो सारी बाहर निकल चुकी है और जो मुर्गी थी वो भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ मुर्गी इधर भी है जिनको हाँक के और बाहर निकाल देते हैं, बाकी मुर्गी तो बाहर चली गई है, बकरी भी वहाँ पे चल रही है। डॉग को खोलते हैं दोस्तों, डॉग को भी लेके चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, फ्री रेंज मतलब जगह आपके पास होने से क्या फ़ायदा होता है। मुर्गी देखिए अपना आराम से फ्री रेंज में आराम से चल रही है, बकरी भी उधर आराम से टहल लेती है, चर लेती है। तो ये दोस्तों आपके पास अगर जगह है तो फार्मिंग लाइन बहुत अच्छा है। जैसे मुर्गी है तो इसका दाना वाना खर्च जो था स्टार्टिंग में था, अब तो दाना का खर्च ही नहीं, बस 100 ग्राम 200 ग्राम देते हैं, आराम से बाहर में आता है और चल रहता है। सुबह के टाइम भी 2-3 घंटा चलता है और शाम के टाइम में भी 2-3 घंटा चर लेता है, इन लोग टहल लेता है, घूर फिर लेता है। बाकी बकरी भी वहाँ पे चल रही है। डॉग को भी खोलते हैं दोस्तों, वो भी चिल्ला रहा है बहुत देर से। दोस्तों ये बकरी सामने खोल दिया, देख सकते हैं सारी बकरी अभी नदी साइड चल रही है, डॉग भी यहीं पर तीनों बैठा हुआ है, दो इधर है एक इधर, और मुर्गी भी को बाहर निकाल दिया दोस्तों, मुर्गी भी बाहर में ही है। दोस्तों ये बकरी दूसरे बगीचे साइड आ गई है और गर्मी आज बहुत ज़्यादा ही तेज़ है दोस्तों, लगभग 5 से ऊपर ही हो गया है, मतलब 5.5 हो चुका है और गर्मी बहुत तेज़ है दोस्तों। मतलब धूप तो नहीं है इन मौसम में, हवा भी नहीं चल रहा और गुमशुदा है, और डॉग का भी हालत ख़राब हो रखा है, ये भी पूरा हाफ रहा है, ये डॉग भी पूरा हाफ रहा है, और बकरियों को भी दिक्कत और हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। अभी देखते हैं इधर से बकरी हाँक के लेके चलते हैं दोस्तों फार्म साइड, फिर नहा हुआ लेंगे और डॉग को भी थोड़ा नहला देंगे शाम के टाइम में। पर इधर थोड़ा देर चरने देते हैं दोस्तों, 6 बजे यहाँ से हाँक के लेके चलेंगे फार्म साइड ही बकरी को, अभी यहाँ पर चरने देते हैं, अभी तो आई है तुरंत। दोस्तों अभी क्रिकेट उधर चल रहा है, उधर मतलब छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये देखिए वहाँ पे एक्स्ट्रा एक गेंदा रखा हुआ था, वो उठा के लेके आ गया, बहुत वो है चतुर है दोस्तों, ये चलाक है, उठा के इसको मौका मिल गया और ये उठा के लेके आ गया। यहाँ पे बकरी भी उधर से आ गई दोस्तों, इस साइड फार्म साइड चल रही है धीरे धीरे, तो उधर ही लेके बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि फार्म की भी सफाई करनी है अभी, तो इनको भी ले चलते हैं, गेंदा वापस उनको दे के आते हैं दोस्तों पहले। तो दोस्तों अभी सारी बकरी जंगल साइड आ चुकी है, आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है, अभी तो इसमें आग लगने की वजह से पूरा जल चुका है, उतना मतलब वो नहीं है, घना नहीं है, इन बकरी भी यहीं पे चल रही है, कुछ नीचे साइड भी चल रही है, बकरी आगे बढ़ रही है दोस्तों, तो उधर से हाँक के नदी साइड करेंगे और फार्म की सफाई भी करनी है तो वो भी चल के कर लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं पूरा बकरी एक झुंड में अभी आ चुका है और इनको यहीं पे छोड़ देते हैं दोस्तों, और हम चलते हैं दोस्तों फार्म के अंदर, फार्म ही बगल में ही है तो वहाँ पर फार्म की सफाई भी करनी है, झाड़ू उड़ू नहीं मारे थे सुबह से, अभी टाइम मिलता है दोस्तों अभी, क्योंकि सुबह में बकरी लेके 6 बजे निकल जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, और फिर बकरी जब चर के आ जाती है तो भी नहीं टाइम मिलता, क्योंकि बकरी सब बैठी हुई रहती है फार्म में, तो अभी टाइम मिला है बकरी फार्म से बाहर है, तो अभी चलते हैं और फार्म की सफाई कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों फार्म की हमने सफाई कर दी, आप देख सकते हैं पूरा फार्म हमने साफ कर दिया, इस साइड वाला उस साइड वाला भी साफ नहीं किया है दोस्तों, वो सुबह में करेंगे, क्योंकि हालत ख़राब हो गया दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। इस साइड वाला पूरा साफ फार्म हमने जो था वो साफ़ कर दिया, आप देख सकते हैं पूरा चिकना हो चुका है, बस ये जो है इसको बाहर फेंकना है, और बकरी भी अभी बाहर में ही चल रही है दोस्तों, नदी साइड वहाँ पर चल रही है, आप देख सकते हैं जो है इसे, तो उनको भी उधर सला के अंदर करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि घर में आज कुछ काम है, पहले इसको फेंकते हैं दोस्तों, हालत ख़राब हो चुका है। और दोस्तों फार्म के हमें इस साइड भी सफाई कर दी है, इस साइड तो हमने कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इस साइड भी बच गया था, बकरी सामने चल रही थी दोस्तों, तो इसलिए हमने इस साइड भी टाइम मिला, तो इस साइड भी हमने सफाई कर दी है, पूरा फार्म साफ हो चुका है दोस्तों। बकरी को बस अंदर करना और पानी लगाना है, क्योंकि दलिया आज हम नहीं बनाए दोस्तों, दलिया कुछ रीजन की वजह से, तो बकरी को अंदर करते हैं और उनका पानी दे देते हैं बस पीने के लिए नॉर्मल। और दोस्तों अभी बकरी जाके अंदर हुई है टोटल बकरी, अंधेरा पूरा हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है, बकरी अभी सारी अंदर हो चुकी है, पानी भी हमने दे दिया था, दलिया नहीं दिया था दोस्तों, बस नॉर्मल पानी दिया था, बकरी नॉर्मल पानी पी चुकी है और लेट से अंदर किए हैं, सब चर लिए, पेट भर चुका है। और दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। वीडियो आपको पसंद है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।